आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड मुंगेली। जिला अस्पताल मुंगेली में बुधवार को मानवता एक बार फिर से शर्मसार हो गई। घंटों इंतजार के बाद भी मृतका का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिजन रोते बिलखते अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने समय का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। इससे परिजनों में भारी आक्रोश है। पूरा मामला पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खैरी की है, जहां 12वीं की छात्रा रामेश्वरी ध्रुव ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, लेकिन पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होने की वजह से पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मगर जिला अस्पताल में भी निष्क्रियता, मनमानी और अड़ियर रवैया देखने को मिला। अस्पताल प्रबंधन द्वारा पहले तो महिला डॉक्टर मौजूद नहीं होने की वजह से पीएम करने से इनकार किया गया और आखिर में परिजनों को घंटों इंतजार कराने के बाद पलड़ा झाड़ते हुए यह कह दिया गया कि देर शाम पीएम नहीं हो सकता। कल ये अपने आत्महत्या किए थे फांसी लगाकर, तो टीआई साहब भी आए थे वहाँ, घटना स्थल देखा और वहाँ बात किए डॉक्टर से पथरिया में, तो डॉक्टर साहब नहीं था वहाँ, तो टीआई सर बोले इसको जिला अस्पताल मुंगेली ले जाओ, तो इसको मुंगेली लेकर आए हम लोग। तो यहाँ करीब 4:15 बजे आ गए थे हम वहाँ से, तो यहाँ डॉक्टर बोल रहे थे कि महिला चिकित्सा नहीं है अभी, ऐसे बोलकर आनाकानी कर रहे थे। पूरे रात भर में परेशानी हुई, पूरे घर वाले उनके परेशान हो रहे थे, आया था उसके साथ में घर वाला वो, और हम लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ा वहाँ पर। और सुबह होने के बाद गए तो फिर परेशानी कर रहे थे वो लोग, अपने अधिकारी से बात किए, उसके बाद उनके अधिकारी लोग बात किए तो लेकर फिर यहाँ आए हैं। परेशानी का सामना ये, हमको तो घर से निकाल मतलब भेज दिया वहाँ से 2:30 बजे, अब यहाँ ला खड़ा करा दिया, यहाँ 3 घंटे तक हम लोग यहीं मतलब इंतजार करते रहे शाम तक। अब शाम को वहाँ खबर आता है कि वो जिला हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ गए तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, बस वैसी शव को रख दिया वहाँ, ना वहाँ कोई व्यवस्था है, हम लोग को शव वैसी थोड़ी ना रखे रहे, कुछ व्यवस्था ही नहीं हुआ। मतलब वहाँ बोल दी इसकी डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, कोई लिखित नहीं दिया गया है, हम लोग को डायरेक्ट वैसी बोल के हम लोग को यहीं ले आया। परेशानी वही है, क्या परेशानी, अगर नहीं बुलाते वहाँ तो हम लोग गाड़ी में रखे रखे यहीं मतलब रात भर बैठे रहते, और घर में भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कोई परिवार भी नहीं है, सब यहीं है। गाँव में उधर तैयारी करवा चुके थे कि हम लोग पोस्टमार्टम करा के लेके आ रहे हैं करके। आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब जिला अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले भी यहां कई बार मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग बिगड़ैल अस्पताल प्रबंधन पर नकेल कसने में असफल नजर आ रही है। परिजनों ने निष्क्रिय अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारी आक्रोश जताया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि करीब 3 बजे से पीएम के लिए भटकते रहे, मगर अस्पताल के अड़ियल व मनमौजी डॉक्टरों ने देर शाम हो जाने की बात कहकर पीएम करने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आनंद माझी से बात की गई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर जांच में लेने की बात कही। कल जो घटना हुई है वो शायद जो है ना 1:30 बजे के आसपास हुई थी, तो उनको पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए जो है ना वहाँ पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, लेकिन वहाँ जो उपस्थित डॉक्टर ने वो बालिक है बोल के एक महिला डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और उसी उद्देश्य से बोल के ये यहाँ पे जिला अस्पताल मुंगेली के लिए रेफर किया था, लेकिन पुलिस के विवेचना में ही पाया गया था कि जो उसमें ऐसे महिला की जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा उसको अनजान या जो है ना लापरवाही पूर्वक करते हुए पोस्टमार्टम ऐसे एक्चुअली पथरिया में हो जाना चाहिए था, तो यहाँ आया और कल छुट्टी का दिन होने की वजह से और एक ही डॉक्टर वहाँ जिला अस्पताल में ड्यूटी में रहता है, तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल केस वेस आया था उसी वजह से वो कल शाम को नहीं हो पाई। हाँ थोड़ा सा उनके जो पथरिया के डॉक्टर्स के द्वारा जो है ना, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो है वो मांग नहीं की गई थी कि महिला या डॉक्टर या टीम के द्वारा किया जाए,
उसके बावजूद भी उनको न करते हुए यहाँ पर रेफर करते, थोड़ा सा उनकी तरफ से लापरवाही हुई है। बहरहाल मीडिया के दखल के बाद मृतका के शव को डॉक्टरों की टीम द्वारा घटना के दूसरे दिन पोस्टमार्टम किया गया। जिले के 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल में इस तरह की मानवता को शर्मसार करने की घटना का आए दिन सामने आना कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही व निष्क्रियता को उजागर करता है और साथ ही जिला अस्पताल प्रबंधन के मुखिया पर हजारों लापरवाही के बाद भी बड़े अधिकारियों के द्वारा बचाव करके कार्रवाई न किया जाना कहीं न कहीं अधिकारियों की अस्पताल प्रबंधन के मुखिया पर दया दृष्टि ही साबित हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर गरीब व असहाय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हमेशा ही सरकारी चक्की में आटे की तरह पीसते रहना होगा या अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करके अस्पताल में हो रहे इस तरह के मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। मुंगेली से विवेक जायसवाल व कैलाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।